दोस्तों बीएसएससी सीजीएल 3 का तीनों शिफ्ट का पेपर लीक है और बीएसएससी इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे, बल्कि लीपापोती करना चाहते हैं। तो हम लोग की मांग है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और सीबीआई जांच हो, क्योंकि एक बार अगर सीबीआई जांच हो जाएगी तो सभी शिक्षा माफियाओं पे, चाहे वो बड़े से बड़े अधिकारी क्यों ना हो, बड़े से बड़े नेता क्यों ना हो, उन सब पे कानूनी कार्रवाई होगी। हर परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है, तो आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक आप बर्दाश्त कीजिएगा? कब तक बिहार में नौकरी की बोली लगती रहेगी? कभी तो अपने हक और अधिकार के लिए आपको सड़क पर उतर के लड़ना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों बीएसएससी सीजीएल 3 का तीनों शिफ्ट का पेपर लीक है और बीएसएससी इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रही, बल्कि लीपापोती करना चाहती है। और तीनों शिफ्ट का आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन सोशल साइट पे वायरल है। जब क्वेश्चन बाहर लाना नहीं है परीक्षार्थियों को, जब परीक्षार्थियों को आप क्वेश्चन दे नहीं रहे हैं, तो क्वेश्चन सोशल साइट पे कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब है कि पेपर लीक है। तो हम लोग की मांग है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और सीबीआई जांच हो, क्योंकि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तो बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसे 67वीं बीपीएससी का क्या हुआ, पेपर लीक में क्या हुआ? 67वीं में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जब बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई की बात आई तो जांच ही बंद कर दिया गया। इसलिए हम लोग की मांग है कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि एक बार अगर सीबीआई जांच हो जाएगी तो सभी शिक्षा माफियाओं पे, चाहे वो बड़े से बड़े अधिकारी क्यों ना हो, बड़े से बड़े नेता क्यों ना हो, उन सब पे कानूनी कार्रवाई होगी, तभी जाकर आगे से किसी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि दरोगा का पेपर लीक हो जा रहा है, सिपाही का पेपर लीक, बीपीएससी का पेपर लीक, बीएसएससी का पेपर लीक, हर परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है। तो आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक आप बर्दाश्त कीजिएगा? कब तक बिहार में नौकरी की बोली लगती रहेगी? कभी तो अपने हक और अधिकार के लिए आपको सड़क पर उतर के लड़ना पड़ेगा। उतरिए सड़क पे, कब तक आप चुपचाप बैठिएगा? तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप सीबीआई जांच कराइए और पूरी परीक्षा को रद्द कीजिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे बिहार में आप एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह बिहार में नौकरी की बोली लगती रहेगी। 26 दिसंबर को दोपहर दो बजे पटना कॉलेज में एक मीटिंग रखी गई है छात्र छात्राओं की। जो भी लोग पटना में हैं वो सभी पटना कॉलेज में आइए दोपहर दो बजे 26 दिसंबर को दोपहर दो बजे पटना कॉलेज आइए। जो पटना में होइएगा वही लोग आइए, जो पटना से बाहर है उनको अभी नहीं आना है। ये मीटिंग रखी गई है इसलिए कि आप लोग अपनी राय दीजिए कि क्या करना है। आप लोग कहिएगा कि आंदोलन करना है, हम आपके साथ सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। आप लोग कहिएगा कि कुछ नहीं करना है, ऐसे ही सहते रहना है, तो आप लोग सहते रहिएगा, लेकिन दिलीप कुमार नहीं सहेगा, हमको जहाँ तक होगा लड़ेंगे। तो आप लोग 26 दिसंबर को 2 बजे पटना कॉलेज आइए और अपनी राय दीजिए, लेकिन हम तो इतना करेंगे कि हमेशा अन्याय का विरोध कीजिए, असत्य का विरोध कीजिए, सत्य की राह पे चलिए। अगर आप अन्याय का विरोध नहीं कीजिएगा तो ये आगे चलकर और भी खतरनाक होगा, और ये जो धांधली सेटिंग हो रही है आगे और बढ़ती जाएगी, और नौकरी की जो बोली अभी लग रही है ना, आगे भी लगती जाएगी, वो उसमें कमी नहीं आएगी। आप देख रहे हैं कि हर नौकरी में, हर बहाली में 80-90% सीटों की बोली लगती है, बेच दी जाती है। तो कब तक आप सहिएगा? 26 दिसंबर दोपहर 2 बजे पटना कॉलेज आइए जो पटना में है, और अपनी राय दीजिए। आप लोग जो कहिएगा, आप लोग कहिएगा आंदोलन होना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम आंदोलन करेंगे, आप लोग का साथ चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।